15 अगस्त 2022 को आईटीबीपी आरटीसी करेरा ने 75वां स्वतंत्रता दिवस एक अनोखे तरीके से मनाया। 1964 करेरा में आईटीबीपी की स्थापना के बाद पहली बार आईटीबीपी के द्वारा करेरा शहर में मार्च पास्ट आयोजित की गई। प्रशिक्षण संस्थान के 200 जवानों ने कदम बढ़ते जय खुशी के गीत गाए। ये जिंदगी कौम की तू कौम पे लुटाए जा हम सरहद के सैनानी की धुन पर। इस तरीके से आईटीबीपी कैंप से गेस्ट हाउस तक और करेरा तक 5 किलोमीटर तक का मार्च पास्ट किया। मार्चिंग दल काची गली और बस स्टैंड से होकर गुजरा। करेरा के नागरिकों ने मार्चिंग कॉन्टिजेंट पर फूल बरसाए। हेड कांस्टेबल निरंजन मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज के दल का नेतृत्व किया। बाद में मार्च विभिन्न रास्तों से होकर गुजरा और मार्च दस्ते का नेतृत्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सुरेंद्र खत्री, डिप्टी कमांडेंट शशांक, असिस्टेंट कमांडेंट दीदार और शिवचरण ने किया। हजारों स्थानीय लोगों ने मार्च पास्ट को देखा। स्कूली बच्चों के लिए गेस्ट हाउस करेरा में हथियार प्रदर्शन का आयोजन रखा गया। कैम्ब्रिज स्कूल और संस्कृति स्कूल के छात्रों व शिक्षकों ने आईटीबीपी के शिक्षकों के द्वारा हथियार प्रदर्शन और मार्च पास्ट देखा। मार्चिंग दल के मार्ग को क्लियर रखने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा सहयोग की। डीआईजी सुरेंद्र खत्री ने सराहना की है क्योंकि ये करेरा के युवाओं में देशभक्ति के उच्च स्तर को दर्शाता है। लोगों और बच्चों ने आईटीबीपी के जवानों का मनोबल काफी ऊंचा किया। परेड इंस्पेक्टर अमित शर्मा व संस्थान के अन्य ड्रिल प्रशिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया था। मार्चिंग दल को वार्ड ऑफ कमांड हेड कांस्टेबल दीपक घुगरे के द्वारा दिया जा रहा था। डीआईजी आरटीसी सुरेंद्र खत्री ने मार्च पास्ट कर सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन व पुलिस को धन्यवाद दिया। डीआईजी ने अपने अधिकारियों व हिमवीर की टीम को शाबाशी दी।